नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करते हैं, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शाहीन बाग प्रदर्शन पर हो रही राजनीति, एक दूसरे को प्रदर्शन का जिम्मेदार ठहरा रहे नेता। चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर बोले इमरान खान, नहीं करेंगे चीन का विरोध। इल्तिजा मुफ्ती ने बीजेपी की जम्मू कश्मीर आउटरीच पर उठाए सवाल, कहा वोट बैंक की राजनीति कर रही बीजेपी। रिपब्लिक डे पर होने वाली परेड के लिए हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल, राजपथ से शुरू होकर लाल किले तक निकाली गई झांकियां। शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन का जिम्मेदार बीजेपी ने कांग्रेस और आपको ठहराया है। सीए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में जारी प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि शाहीन बाग के माध्यम से जो अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी हैं। कपिल मिश्रा जो अक्सर अपने बयानों को लेकर और आप पर तंज कसते हुए नजर आते हैं और बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, एक बार फिर से कपिल मिश्रा ने ऐसा कुछ कह दिया है जिसके कारण वो सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल उन्होंने ट्वीट किया है शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को लेकर। दिल्ली चुनाव में भी पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जब शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा होने का ऐलान किया तो उनके पुराने साथी और अब बीजेपी से टिकट पा चुके कपिल मिश्रा ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान को शामिल कर लिया। उन्होंने दिल्ली चुनाव को हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान बताते हुए कहा कि 8 फरवरी को मतदान के दिन दोनों में महामुकाबला होगा। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, पाकिस्तान की एंट्री शाहीन बाग में हो चुकी है। दिल्ली में छोटे छोटे पाकिस्तान बनाए जा रहे हैं। शाहीन बाग, चांद बाग, इंद्रलोक में देश का कानून नहीं माना जा रहा। पाकिस्तानी दंगाइयों का दिल्ली की सड़कों पर कब्जा है। वैसे तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर मिश्रा लगातार टीके हमले करते रहे हैं, मगर चुनाव से पहले कपिल शर्मा के इस तरह के ट्वीट कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वो चीन के सामने झुकने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि वो मुस्लिम प्रताड़ना का विरोध नहीं करेंगे क्योंकि चीन उनके समर्थन में रहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से जब ये पूछा गया कि वो शिनजियांग और अन्य जगहों पर चीन के मुसलमानों पर अत्याचार के बारे में चुप क्यों हैं और आए दिन कश्मीर और भारत को लेकर तमाम सवाल खड़े करते रहते हैं, इस पर इमरान खान ने कहा कि चीन ने हमारी मदद की है, चीन हमारी सरकार की मदद के लिए आया है जब हम चट्टान के नीचे थे। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान चीन सरकार के लिए वास्तव में आभारी है। इमरान खान ने विदेश नीति के हवाले से कहा कि हमने तय किया है कि चीन के साथ जो भी मुद्दे हैं हम उनसे निजी तौर पर निपटेंगे, हम सार्वजनिक रूप से नहीं जाएंगे। इल्तिजा मुफ्ती ने बीजेपी की जम्मू कश्मीर में आउटरीच को लेकर निशाना साधा है। इल्तिजा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों की चल रही यात्रा खोई जमीन को फिर से हासिल करने के उद्देश्य से सिर्फ भाजपा की वोट बैंक की रणनीति थी। दरअसल भाजपा के 36 मंत्रियों का एक समूह 60 स्थानों जम्मू क्षेत्र में 52 स्थानों और 18 से 24 जनवरी के बीच कश्मीर घाटी के 3 जिलों का दौरा कर रहा है। INS के साथ एक विशेष साक्षात्कार में मुफ्ती ने कहा कि जम्मू के लोग भाजपा से असंतुष्ट थे। मुफ्ती ने कहा, कोई वास्तविक जुड़ाव या आउटरीच नहीं है, वे आशंकित हैं कि वे जम्मू में सीटें खो देंगे। और इस वक्त आतंकी संगठनों की नींद उड़ चुकी है क्योंकि ISI एजेंट एम राशिद गिरफ्तार किया जा चुका है और सुरक्षा एजेंसियां इस एजेंट से पूछताछ कर रही हैं, तो काफी बड़े खुलासे हुए हैं पूछताछ के दौरान। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से ISI एजेंट एम राशिद की गिरफ्तारी ने राजस्थान और मुंबई में कई आतंकी संगठनों की नींद उड़ा दी है। ATS अधिकारियों के अनुसार राशिद के मोबाइल फोन में कई व्हाट्सएप ग्रुप और कुछ नंबर स्पष्ट रूप से आतंकी समूहों के स्लीपिंग मॉड्यूल के हैं। पूछताछ के दौरान राशिद ने उल्लेख किया कि उसने फ्लैक्सी साइन बोर्ड पर काम करके पर्याप्त कमाई नहीं की और जब उसे पाकिस्तान में हैंडलर द्वारा पर्याप्त धन की पेशकश की गई तो वह काम करने के लिए सहमत हो गया। राशिद पाकिस्तानी पत्रकार से भी अक्सर बात करता था। इस बात का सबूत उसके फोन और उसमें मौजूद ऑडियो क्लिप से मिला है।
रिपब्लिक डे पर होने वाली परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज की गई, जहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा इस रिहर्सल को देखने के लिए। गणतंत्र दिवस के दौरान निकलने वाली परेड की तैयारियों के तहत राजपथ से लाल किले तक फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस का भी परेड किया गया। परेड को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। परेड में शामिल राज्यों की झांकियां भी निकाली गई। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यातायात पुलिस के संयुक्त आयुक्त एनएस बुंदेला के अनुसार फुल ड्रेस रिहर्सल सुबह 9:50 से विजय चौक से शुरू होकर लाल किले पर समाप्त हुई। इस दौरान केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन सुबह 5 से दोपहर 12 तक बंद रहे। परेड का मुख्य रूट विजय चौक, राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और लाल किला रहा। कोरोना वायरस इस वक्त काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। चाइना में फैला हुआ है ये वायरस, क्या है ये कोरोना वायरस, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना वायरस के फैलते प्रकोप पर लगाम लगाने की कोशिश के तहत चीन ने अपने मुख्य शहर वुहान को पूरी तरह से बंद कर दिया है। चीन के हुबेई प्रांत की सरकार ने वुहान शहर में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए स्थानीय लोगों के शहर छोड़ने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। कोरोना वायरस के कारण अमूमन संक्रमित लोगों में सर्दी जुकाम के लक्षण नजर आते हैं, लेकिन असर गंभीर हो तो मौत भी हो सकती है। योगिता जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और जिन्होंने निर्भया मूवमेंट की शुरुआत की, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने। देखिए, सबसे ज्यादा सेंसिटिव इशू अपने आप में है, क्योंकि अभी ये एक टैबू है। जब हम रेप की बात करते हैं दो तरह से बात होती है, या तो सर्वाइवर है या नहीं है, और अगर वो बच्ची बच गई है तो उसके अपने अलग चैलेंजेस हैं, क्योंकि उनका रिहैबिलिटेशन, उसका साइकोसोशल सपोर्ट, परिवार का, क्योंकि एक बच्ची के साथ रेप नहीं होता, वो पूरा परिवार बिखर जाता है। क्योंकि स्पेशली जो रेप होते हैं वो इट्स मोस्टली डन बाय नोन पीपल, सो हर केस का डायनामिक्स अपना अलग होता है और उसको उसी तरह से डील करना होता है। तो लीगली तो अपने एक प्रोटोकॉल में वो चला जाता है, बट जो वो सोशल सपोर्ट की बारी आती है तो आपको देखना होता है उसका प्लस माइनस, उसको क्या हेल्प चाहिए, उनको क्या चाहिए, क्या वो रिलोकेट करना चाहते हैं, तो पूरा परिवार रिहैबिलिटेट होता है। क्या है आज की शेयर मार्केट का हाल, आइए जानते हैं। सीधे चलते हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। इंडियन स्टॉक मार्केट्स टर्न ग्रीन आफ्टर 3 ऑफ हैवी सेलिंग। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स ब्राइटेंड बिकॉज ऑफ अ शार्प डिक्लाइन इन ऑयल प्राइसेस। A dip in oil prices almost always benefits the Indian economy as well as the Indian share market, because India is a huge importer of oil. कच्चे तेलों के दाम में आई कमी के वजह से आज IOCL और BPCL को इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिला। बात करें अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की, तो चाइनीज शेयर मार्केट को आज भी कोरोना वायरस के फैलने की वजह से नुकसान झेलना पड़ा। अब तक 17 लोगों की जान कोरोना वायरस के वजह से जा चुकी है। रिपोर्टिंग फॉर INS, रवि दत्त। मां बनने के बाद सानिया मिर्जा ने जोरदार कमबैक किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ओपन से सानिया मिर्जा बाहर आ चुकी हैं। सिर्फ 33 मिनट ही खेल पाई सानिया मिर्जा। ऑस्ट्रेलियन ओपन की फर्स्ट राउंड से आज सानिया मिर्जा बाहर हो गई। यूक्रेन की नादिया किचनॉक के साथ खेलने वाली सानिया अपनी विमेंस डबल्स मैच सिर्फ 33 मिनट खेल पाई, जिसके बाद एक काफ इंजरी की वजह से उनको मैच रोकना पड़ा। इसके पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन की मिक्स डबल इवेंट से सानिया विड्रॉ कर गई, जहां पे वो रोहन बोपन्ना के साथ खेलने वाली थी। INSTV के लिए रोहित मुंडियोर। द फॉरगॉटन आर्मी आजादी के लिए कबीर खान को कैसे आया आइडिया, इस बारे में बातचीत की INS से। How do you think working on an OTT platform which will give you a wider reach is liberating as a filmmaker? Because obviously there's also not box office pressures, ki numbers kitne honge. Does it liberate you as a filmmaker? It does. I think it allows you to be maybe truer to the story, truer to the history. I mean, I can say in the case of the Forgotten Army, it can definitely, it allows you to be truer to the history. Because you're right, see, I mean, the box office pressures, as a filmmaker, I tend to not take it on anywhere too seriously.
Because there's no point. There's nothing you can do about it because nobody can predict what will happen at the box office. But having said that, yes, I think to be able to do something where you're not thinking about, okay, what are the opening day figures, and you know, if it doesn't do well for 1 week, then it will not get you know, more screen space. That is not there. It's a show that comes on the platform. You can watch it on day one. You can watch it 100 days later. You know, it's up to you. There are so many shows that I have, because I've been very busy and not been able to show much, I have it on my list. And I know, okay, I'm not watching them now, but you know, maybe after 2 months I'm going to watch them. And this is something I've been noticing about web series. Excitement lasts for much longer, and people watch it, you know, months later, and continue to watch it. I think that's a great for as a storyteller. I think it's very empowering. और इसी के साथ INS News Plus की खास खबरों में फिलहाल इतना ही. इजाजत दीजिए. नमस्कार.